संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करणी सेना खुलकर मैदान में आ गई है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में करणी सेना अध्यक्ष ने कहा कि यदि फिल्म दिखाई गई तो सिनेमा हॉल जला दिए जाएंगे, लोगों की जान जाएगी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति फिल्म देखने की सोच रहा है वह पहले अपना बीमा जरूर करवा ले। इसके साथ ही करणी सेना का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है लेकिन करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। हम सरकार से मांग करते हैं कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए, नहीं तो सिनेमा हॉल जल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत फिल्म पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि राज्य उनके 18 जनवरी के आदेश का पालन करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य सरकारों को उनके पास आने की पूरी आजादी है। इससे पहले राजस्थान ने कहा था कि ये फिल्म संस्कृति पर चोट है, लेकिन उसने नई याचिका में इस फिल्म के रिलीज होने से राज्य में शांति भंग होने का अंदेशा जताते हुए फिल्म पर रोक की मांग की थी। तो वहीं करणी सेना का कहना है कि फिल्म के नाम में बदलाव करने से कुछ नहीं होगा, सेंसर बोर्ड को पद्मावत फिल्म पर रोक लगानी होगी। तो वहीं फिल्म के विरोध में चित्तौड़गढ़ में सैकड़ों महिलाओं ने जौहर स्वाभिमानी रैली निकाली। रैली के दौरान कुछ महिलाओं ने हाथों में तलवारें थाम रखी थी। उन्होंने कहा कि अगर पद्मावत फिल्म पर रोक नहीं लगाई गई तो वह जौहर करेंगी। कुल 1908 महिलाओं ने चित्तौड़गढ़ में जौहर करने के लिए रजिस्टर। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करणी सेना खुलकर मैदान में आ गई है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में करणी सेना अध्यक्ष ने कहा कि यदि फिल्म दिखाई गई तो सिनेमा हॉल जला दिए जाएंगे, लोगों की जान जाएगी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति फिल्म देखने की सोच रहा है वह पहले अपना बीमा जरूर करवा ले। इसके साथ ही करणी सेना का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है लेकिन करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। हम सरकार से मांग करते हैं कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए, नहीं तो सिनेमा हॉल जल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत फिल्म पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि राज्य उनके 18 जनवरी के आदेश का पालन करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य सरकारों को उनके पास आने की पूरी आजादी है। इससे पहले राजस्थान ने कहा था कि ये फिल्म संस्कृति पर चोट है, लेकिन उसने नई याचिका में इस फिल्म के रिलीज होने से राज्य में शांति भंग होने का अंदेशा जताते हुए फिल्म पर रोक की मांग की थी। तो वहीं करणी सेना का कहना है कि फिल्म के नाम में बदलाव करने से कुछ नहीं होगा, सेंसर बोर्ड को पद्मावत फिल्म पर रोक लगानी होगी। तो वहीं फिल्म के विरोध में चित्तौड़गढ़ में सैकड़ों महिलाओं ने जौहर स्वाभिमानी रैली निकाली। रैली के दौरान कुछ महिलाओं ने हाथों में तलवारें थाम रखी थी। उन्होंने कहा कि अगर पद्मावत फिल्म पर रोक नहीं लगाई गई तो वह जौहर करेंगी। कुल 1908 महिलाओं ने चित्तौड़गढ़ में जौहर करने के लिए रजिस्टर।